नमस्कार, डीपी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आयकर विभाग ने दी दबिश। सीएम ने कहा, आईटी टीम आई है, पीछे पीछे ईडी भी आएगी। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। एससी एसटी व ओबीसी के लिए होंगे अलग अलग विभाग। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कन्याकुमारी के लिए हुए रवाना। आज से शुरू हो रहे भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में एक साथ आईटी की टीम ने दबिश दी है। बता दें कि रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई में इनकम टैक्स की टीम कई बड़े कारोबारियों के घर पर रेड की कार्यवाही करने पहुंची है। प्रदेश में 50 से अधिक आईटी विभाग के अफसरों ने दबिश दी है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर, भिलाई जैसे बड़े शहरों में नामी कारोबारियों के घर आयकर विभाग की टीम पहुंची है। प्रदेश में आईटी की छापे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यह तो शुरुआत है, अभी आयकर विभाग की टीम आई है, पीछे पीछे ईडी की टीम भी छत्तीसगढ़ आएगी। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है? आईटी, अब ईडी भी पीछे पीछे आई। मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई और बहुत से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले कैबिनेट के द्वारा लिए गए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में फैसला लेते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों के लिए अलग अलग विभाग के लिए मंजूरी दी गई है। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की तर्ज पर अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की भी कमेटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति सलाहकार कमेटी और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार कमेटी भी बनाई जाएगी। इन सभी कमेटियों के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए 12489 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती। इसमें 6285 सहायक शिक्षक, 5772 शिक्षक तथा 432 पद व्याख्याता के हैं। शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक और अधिकतम 10 बोनस अंक देने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नहीं किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण, दो महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिया गया है। और तीसरा निर्णय, अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के, पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा। और इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होगी, उसमें बच्चे भी खेलेंगे, बड़े बुजुर्ग भी खेलेंगे, महिलाएं भी होंगी, तो सभी लोग इसमें भाग ले सकेंगे, उम्र की कोई सीमा नहीं और हर प्रकार के खेल का इसमें आयोजन होगा। चौथा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो कृषि के क्षेत्र में, अभी कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक, अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिलेगा, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, फल है, उद्यान है, मछली पालन है, इसमें इस सबको जोड़ा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला, अभी तक के हम लोग उसकी सीमाएं कम थी, अब उसे बढ़ाकर 3 लाख तक के कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस द्वारा शुरू की जा रही भारत जोड़ो यात्रा के लिए राजधानी रायपुर से कन्याकुमारी के लिए रवाना हुए। जाने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लोग देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर त्रस्त हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने आज कन्याकुमारी के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जिसका नेतृत्व खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। बता दें कि यह यात्रा लगभग 150 दिन का होगा, जिसमें 3500 किलोमीटर पैदल चला जाएगा। यात्रा होगी और
समझता हूँ। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना है। जो सामाजिक दूरियाँ या नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसे समाप्त करना। दूसरा, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे केंद्र सरकार लगातार कमज़ोर कर रही है। अब लोकसभा में भी महंगाई, बेरोजगारी इस पर चर्चा नहीं होती, करने नहीं देते। तो ऐसे में जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को लेकर बात करना और एक प्रदेश में एक वातावरण निर्मित कि आज किसान, मजदूर, नौजवान, गृहिणियाँ सारे लोग परेशान हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। इस सब मुद्दों को लेकर ये यात्रा की जा रही है। अब मैं समझता हूँ कि बहुत दिन बाद कोई राजनेता पदयात्रा कर रहे हैं, इसका जबरदस्त असर पूरे समाज पर पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार की शाम 4 बजे ट्रेन से राजधानी रायपुर पहुंचे। बता दें कि संघ प्रमुख भागवत 6 दिनों तक राजधानी में रहेंगे। इस दौरान वे संघ के अलग अलग टोलियों की बैठक लेंगे। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत राजधानी रायपुर में 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक संघ के लोगों के साथ कई बैठक लेंगे। बता दें कि अखिल भारतीय समन्वय बैठक 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक होगी। वहीं 7 सितंबर से 9 सितंबर तक संघ के निर्णायक टोली से संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोगों को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी यात्रा में शामिल होने कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन 25 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और 150 दिन में 3,570 किलोमीटर का सफर तय करके कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचा जाएगा। कांग्रेस की इस यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 13 अफसरों को पदोन्नति दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी अरुण मरकाम व नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के ओएसडी राजेश कुमार पात्रे को पदोन्नति के बाद भी वहीं रखा गया है। बता दें कि पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अरविंद कुमार पांडे और CSIDC की महाप्रबंधक सूर्य किरण तिवारी अग्रवाल की जिम्मेदारी भी नहीं बदली है। इस सूची में केवल रायपुर के संयुक्त कलेक्टर रहे हरेश मंडावी को अपर कलेक्टर बनाकर बस्तर भेजा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB Live के साथ। नमस्कार।